आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हाउ यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो आज का हम जो पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मैक्सिमम जेड इज टू 4x1 + 10x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x1 + x2 < 50, 2x1 + 5x2 < 100, 2x1 + 3x2 < 90, और जहाँ पर x1 और x2 > 0 है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। स्टेप फर्स्ट जो होगा, तो गिवन LPP जो है वो ऑलरेडी एक मैक्सिमम प्रॉब्लम है। अगर ये क्वेश्चन मिनिमम होता तो मुझे पहले उसको मैक्सिमम करना होता। वो कैसे करते वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टेप टू, सिंस ऑल बाइज आर पॉजिटिव, बीआईज जो पॉजिटिव मतलब ये 50, 100, 90, ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं। अगर ये नेगेटिव होते तो उनको भी मुझे पॉजिटिव करना पड़ता। स्टेप थर्ड में जो हम देख रहे हैं, सिंस ऑल कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व इन दिस साइन मतलब लेस देन साइन में, सो वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल। तीन इक्वेशन है तो मुझे तीन नए वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। पहले वाले में x3, दूसरे वाले में x4, तीसरे वाले में x5। तो देखिए, और ये जो वेरिएबल इन इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करके इक्वेशन बना रहा हूँ, वो कैसे बना रहा हूँ देखिए। 2x1 + x2, इसमें x3 इंट्रोड्यूस हुआ है तो x4 और x5 के जो कोफिशिएंट वो 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 50। इसमें x4 इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें x5 इंट्रोड्यूस हुआ है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर बनना है 1, 1, 1। ये बनना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना अगर ये नहीं बन रहा है तो हम सिंप्लेक्स टेबल नहीं बना सकते। तो हमारे पास वही तीन इक्वेशन ये थी, इनको मैंने लिख लिए। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो हमारे पास हो जाएगा, जेड हमारे पास था 4x1 + 10x2, लेकिन हमने तीन वेरिएबल नए लिए हैं x3, x4, x5। तो जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, 4x1 + 10x2 0x3 + 0x4 + 0x5। ये जो कोफिशियंट है ये आपका c1 c2 c3 c4 c5 हो जाएगा। सिंस द कोफिशियंट ऑफ x3 x4 x5 आर यूनिट वैक्टर्स, यहाँ पर देखिए 1, 1, 1 यानी कि 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये आपका आइडेंटिटी के टर्म्स में आ जा रहा है, यानी कि यूनिट वैक्टर बन जा रहा है। तो हम अभी बना सकते हैं हमारा सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें जो तरीका है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही चलता रहता है हर एक टेबल पे। क्या CB YB XB एंड C1 C2 जितने भी हमारे होंगे वो लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं आपका मिनिमम रेशियो, वो होता है आपका XB / इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर जो होता है, मैं आपको अभी हमें पता चल जाएगा वो क्या होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास हमने तीन वेरिएबल नए यूज़ किए थे x3 x4 x5, तो जो सी वो आपको लिखना पड़ेगा c3 c4 c5। c3 c4 c5 क्या है हमारे पास 0 0 0 0 0 0। वाई बी क्या जाएगा y3 y4 y5, और एक्स बी क्या जाएगा इसके जो बी आईज हैं 50 100 90, यानी कि x3 50, x4 100 और x5 90। और जो पहले एलिमेंट पहले रो के जो एलिमेंट आएंगे इधर, वो हमें ऐसे लिखना पड़ेंगे 2 1 1 0 0, ऐसे ही सेकंड वाला 2 5 0 1 0। ये मैं ले रहा हूँ जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट है इन इक्वेशन को, जो मैंने इक्वेशन बनाया था तो उसके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। अगला थर्ड का आ जाएगा 2 3 0 0 1, ये देखिए। अच्छा अब हम देख हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम जेड निकालने का जो फार्मूला होता है वो σ CB XB होता है, σ CB XB। तो देखिए ये आ जाएगा 0 × 50 + 0 × 100 + 0 × 90। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0 आ गया। अब मुझे मैंने मैक्सिमम जेड तो निकाल दिया है, 0 आ गया। अब मुझे डेल जी निकालना है, यानी कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 निकालना। मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाल के रखी, कैसे निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेल जे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CJ - σ CB × YJ। अच्छा डेल वन निकालना है तो C1 आ जाएगा, σ CB YJ हो जाएगा। अच्छा C1 हमारे पास क्या है 4 है, माइनस ब्रैकेट ले लिया,
अब इसमें देखिए, जीरो इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फोर आ जाएगा। तो डेल वन जो आपका आ रहा है वो फोर आ रहा है। सिमिलरली डेल टू वो आ जाएगा सी टू माइनस सिग्मा सी बी वाई जी। तो सी टू हमारे पास क्या है, टेन, और ये आ जाएगा आपको माइनस में ब्रैकेट ले लेंगे जीरो इंटू वन जीरो इंटू फाइव प्लस जीरो इंटू थ्री। तो इसको सॉल्व करूंगा टेन आ जाएगा। और फिर सिमिलरली सी थ्री सी फोर सी फाइव भी कैलकुलेट कर लूंगा तो वो जीरो जीरो आ जाएंगी। इस सिंप्लेक्स टेबल में हम जो करना होता है तब तक सॉल्व करना होता है जब तक कि हमारा जो डेल जे आ रहा है वो आपका डेल जे पूरा या तो सारे जीरो आ मिल जाए या सारे नेगेटिव जीरो या नेगेटिव दोनों मिल जाए, कोई पॉजिटिव का ना हो। अगर कोई सिंगल एलिमेंट भी पॉजिटिव का आ जा रहा है तो हमें अपनी सिंप्लेक्स टेबल में नेक्स्ट बनाती रहनी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं, अब देखिए, इनमें जो डेल जे है सबसे बड़ा कौन सा है, डेल टू यानी कि टेन, ये बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो आपका इनकमिंग वेक्टर होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इनकमिंग वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है वो आपका इनकमिंग वेक्टर होता है। अब आते हैं मिनिमम रेशियो में, एक्सपी ओवर इनकमिंग वेक्टर, यानी कि आपका वाई टू के जो एलिमेंट हैं वो इनकमिंग वेक्टर के एलिमेंट आ रहे हैं। तो एक्स बी यानी कि 50/1 50, 50/100/5 20 और 90/3 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा आ रहा है आपका, 20, यानी कि ये मिनिमाइजेशन आपका मिनिमम रेशियो यहाँ से मिल रहा है मुझे। ये देखिए ये जा रहा है कट करते हुए सी फोर वाई फोर में, और इनकमिंग वेक्टर जा रहा है यहाँ से यहाँ पर। तो ये जो आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस पॉइंट पे कर रहा है, फाइव पे कर रहा है। तो ये जो आपका फाइव हो जाएगा ये आपका की एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें डेल जे में कोई भी एलिमेंट माइनस का नहीं मिला है, एक पॉजिटिव के बच गए हैं। तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल मुझे बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल जब मैं बनाऊंगा तो वाई टू यानी कि सी वाई टू वाई फोर को रिप्लेस कर देगा, यानी सी फोर के प्लेस पे सी टू, वाई फोर के प्लेस पे वाई टू आ जाएगा और एक्स फोर के प्लस पे एक्स टू आ जाएगा। बाकी के जो एक्स थ्री एक्स फाइव है वो हमारे सेम ही रहेंगे जैसे पहले थे। और हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो की एलिमेंट फाइव है इसको मुझे बनाना पड़ेगा नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में जीरो सॉरी वन बनाना पड़ेगा, और इसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है मुझे वो भी जीरो बनाना पड़ेगा, और इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको भी मुझे जीरो बनाना पड़ेगा। और एक बात, कभी भी मिनिमम रेशियो में कोई अगर रेशियो माइनस का आ जाता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो अगर ये वाइड में माइनस का आ जाता तो मैं इसे छोड़ देता, बाकी फिर मिनिमम रेशियो में इन दोनों में देखता कि इन दोनों में कौन छोटा है। कभी भी माइनस में आ जाए मिनिमम रेशियो तो हम उसे नहीं लेंगे। हाँ, सो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए मैंने फिर वैसे ही टेबल मैंने बना लिए हैं, लेकिन सी थ्री सी फोर वही रहा। मैंने बोला था आपको कि इस बार नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में सी फोर की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, सी टू, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर हमारा डेल टू में आ रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर वही, यहाँ वाई थ्री वाई फोर और सॉरी वाई फाइव और ये वाई टू। अब देखिए मैंने बात हो रही है हमारी, मैंने बोला था जो की एलिमेंट है उसको मुझे वन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा फाइव था तो फाइव को वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फाइव से डिवाइड। तो मैंने इस सारे एलिमेंट में, यहाँ पर मेरा हंड्रेड था, हंड्रेड को मैंने फाइव से डिवाइड किया 20 आ गया। यहाँ टू था, फाइव से डिवाइड किया 2/5, यहाँ फाइव था, फाइव से डिवाइड किया 1 आ गया, ये 0 आ जाएगा। यहाँ 1 था, 1/5 आ गया, यहाँ 0 था तो 0 ही रहा। अब देखिए नीचे में जो एलिमेंट थे फर्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल के, तो मैंने बताया था इसके नीचे वाले को मुझे 0 बनाना था। अच्छा, पहले वाले सिम्प्लेक्स टेबल के जो इसमें के एलिमेंट थे वो कुछ ऐसे थे 92 3 0 0 1, और यहाँ पर देखिए 1, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा लिख दिया ऐसे कैसे, और मैंने इस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ मुझे 30 4/5 0, जो कि यही मेन 0 लाना था मुझे, फिर 0, फिर -3/5 और फिर मुझे 1 मिल जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सिमिलरली पहले सिंप्लेक्स टेबल के जो एलिमेंट थे यहाँ पर वो कुछ ऐसे थे 50 2 1 1 0 0, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा तो 0 मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए
यही एलिमेंट मैंने फिर से नीचे लिख दिया है और मैंने माइनस कर दिया, तो 38/5 0 1 -1 0 मिल गया, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा अब मुझे कैलकुलेट करना होता है फिर से वही जेड सी बी एक्स बी सिग्मा में, तो वो देखिए कैसे आ जाएगा, 0 × 30 + 10 × 20 + 0 × 30, तो वो कैलकुलेट कर दिया, वो मुझे मिल गया 200। ठीक है 200 मुझे मिल गया। अब मुझे डेल से भी तो काउंट करना है, डेल 1 डेल 2 डेल 3, तो मैंने काउंट किया डेल 1, वही फॉर्मूला सी जे माइनस सी बी वाई जे, तो सी जे सी वन डेल वन काउंट करें तो सी वन लेना पड़ेगा 4 − 0 × 8/5 + 10 × 2/5 + 0 × 4/5। ये देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0 आ गया। सिमिलरली डेल 2 भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, वो 0 आ गया। डेल 3 डेल 4 डेल 5 सारे मैंने अलग से कैलकुलेट करके लिख दिए, वो 0 0 0 − 2 0 मिल गया। अच्छा अब हमारा जो डिज़ायर जो हमें करना होता है कि मुझे डेल जे के जो एलिमेंट चाहिए होते हैं वो मुझे सारे 0 मिल जाए या फिर नेगेटिव के मिल जाए, यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई भी पॉजिटिव का नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, तो मुझे मिनिमम रेशियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिनिमम रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई इनकमिंग वेक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सारे ही डेल जे मुझे 0 0 और नॉन नॉन नेगेटिव मिल चुके हैं। सिंस ऑल डेल जे आर इधर नेगेटिव और 0, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड आउट। सो मैक्सिमम जेड जो हमारा मिल रहा था वो मिला था 200, किस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे मिला था मुझे हमें X2 पे 0 20, और देखिए यहाँ पर X1 नहीं है, यानी कि हमारे पास X1 नहीं है, तो X1 मुझे 0 लेना होगा, तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन फाइनल आंसर होगा वो मैक्सिमम जेड इज टू 200 एट X1 इज टू 0 और X2 इज टू 20 पे मिलेगा, यही हमारा आंसर है। ये आज हमने डिस्कस किया था केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मिनिमाइजेशन का।